कई अफसर यह महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर अगले कुछ दिनों में अफवाहों का शिकार हो सकता है और अथॉरिटीज के पास इससे निपटने के लिए बेहद कम वक्त है। सोशल चैट ग्रुप्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही एक्टिव हैं बल्कि ये दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों यहां तक कि विदेशों से भी राज्य के लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं। इंस्टेंटली जो मैसेज देना चाहते हैं वो पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। एक नई किस्म की वारफेयर है। लोग अफवाह बड़े आसानी से फैला सकते हैं। ये डर बिल्कुल रियल है। घाटी में सारी लड़ाई केवल आइडियोलॉजी की है, क्योंकि आतंक का पहला जन्म तो दिमाग में ही होता है। इसलिए भारतीय सेना ने अपने लोकल इंटेलिजेंस को काफी एक्टिव कर दिया है और साथ ही कोशिश हो रही है कि आतंक के इस जड़ की काट के लिए विचारधारा का ही सहारा लिया जाए। इसलिए सेना और सरकार मिलकर 5M पर काम कर रही है, यानी मस्जिद, मौलाना, मदरसा, मीडिया और महिलाएं। इन पांचों के जरिए सेना अपने लोकल विश्वस्तों के साथ ये काम कर रही है कि यंग लड़कों या वो यूथ जिसकी गुमराह होने की संभावना ज्यादा है उसे मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और आतंक के इस काले अध्याय को खत्म किया जा सके। ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके तरीके वही हैं। सभी मदरसों में बिलीव करते हैं, सभी मस्जिद में बिलीव करते हैं, सभी शरीयत में बिलीव करते हैं, सभी उम्मा में बिलीव करते हैं, सभी कैलिफेट में बिलीव करते हैं। तो जो 5 या 4 M की आपने बात की, यही इनका पूरा ये है, इंडॉक्ट्रिनेशन का वो एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है शुरू से। बदलती तकनीक के साथ आतंक ने अपनी रणनीति में बदलाव तो कर दिया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और आतंक के इस सॉफ्टवेयर को काउंटर करने के लिए सेना ने बना लिया है नया वायरस। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, उस तिरंगे को हमेशा दिल में सजाए रखना। आतंक के सरपरस्तों ने जो वर्चुअल बैटल ग्राउंड की नई जंग छेड़ी है उसे भी निस्तेनाबूद करके अमन के इन दुश्मनों को जमीन में दफन करने के लिए भी सेना ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब जरूरी है तो बस आपके यकीन की, जिससे अपने गुमराह भाइयों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। जय हिंद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर किसी गौरव गाथा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।